कलर कॉस्मेटिक मेबलिन फेसेस लैक्मी नाइन प्लस कलर बार स्किन केयर में ओशिया वाओ रिच फील रागा और भी बहुत कुछ जो आपको मदद करे और भी खूबसूरत दिखने में पायल ब्यूटी कॉर्नर। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। आपको बता दें जिस तरह से मुंब्रा कौसा में टोरेंट के बिल को लेकर लोग काफी परेशान है, टोरेंट के मुद्दे पर काफी मुंब्रा शहर में हंगामे भी हुए, आंदोलन पे आंदोलन भी होते रहे कि खास करके जिस तरह से टोरेंट का एवरेज बिल भेजा जा रहा है, दो दो महीने तीन तीन महीने के बिल जो लाखों रुपए भेजे जा रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर आंदोलन एनसीपी के यूथ ने किया था, जिसके बाद कैंप लगाने का कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया था। उसके बाद अब जो है तीन दिन का कैंप यहाँ अमृत नगर दरगाह पे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है कैंप लगाया गया है और जिसके भी बिल में फॉल्ट है, जो ज़्यादा एवरेज बिल आ रहा है या मीटर आपका खराब है, तो उनको जो है यहाँ पर आकर अपने बिल द्वारा, यहाँ टोरेंट के अधिकारी मौजूद है और कुछ वॉलंटियर भी यहाँ पर मौजूद है जो आपके अमाउंट को देखेंगे, बिल को देखेंगे, उसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है बिजली का बिल भरने के लिए भी उपलब्ध है कि आप बिजली के बिल यहाँ भी भर सकते हैं। लेकिन किस तरह की यहाँ पर जनता आई हुई है, उनकी क्या क्या तकलीफें हैं और जो नगर सेवक शानू पठान है उनसे भी हम बात करेंगे और जनता से भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह से उन्हें तकलीफें हो रही है। आज जो कैंप लगाया गया है इस कैंप के बारे में हम और भी ज्यादा जानकारी लेके लेते हैं जो टोरेंट के चेतक विद्यानी वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, इस कैंप के जरिए जो है आप लोगों को किस तरह की जो समस्याएं हैं उनकी कैसे दूर करेंगे? देखिए, ये कैंप का हमारा मकसद जो है, काफी सारे लोग बिलिंग के प्रश्नों को लेके हमारे सेंटर्स पे आते हैं, तो लोगों के दरवाजे पे जाके, लोगों के एरिया में जाके उनके समस्याओं का हल करने के लिए ऐसे कैंप अपन जगह जगह पे लगाएंगे। आज ये शुरुआत है, इसके बाद भी रेगुलरली ये कैंप हर एरिया में चालू रहेंगे। इसमें कैसा है कि देखा गया है कि लोगों को बिल का समझ जो है उसके लिए मेन अपने कैंप का मकसद है। आज कुछ केसेस ऐसे देखे गए जिसमें एमएसईडी सेल के टाइम पे एवरेज था, उसके बाद अभी रीडिंग हुआ है तो उन लोगों का उस वजह से थोड़ा सा बढ़ के बिल आया है। कुछ लोगों का लॉकडाउन का बिल का उनको समझाया गया है, लेकिन जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि बिल का कोई कहीं रिविजन या कोई अगर वेरिफिकेशन जरूरी है तो हमारी टीम वो जाके मीटर चेक करके उसका वहाँ पे वैसा उसको समाधान भी करके दे। सर, ये भी कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि जो आपके टोरेंट की ऑफिस है तो वहाँ पर कुछ ऐसा मतलब शिकायतें सामने आती हैं कि लोगों का हेल्प नहीं किया जाता, उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो क्या आपके जो ऑफिस के डिपार्टमेंट है उनके लिए आप क्या कहेंगे कि लोगों की तरह किस तरह से बर्ताव करें, इस पर सख्ती आप बरतेंगे कि लोगों को कहीं ना कहीं बेहतर सुविधा मिले? देखिए, कैसा है कि लोगों की सुविधा ये हमारा सबसे हमेशा प्राइम मकसद रहा है, लोगों को सर्विस देना टोरेंट पावर का हमेशा से फोकस रहा है और आज के इस कैंप का भी यही एक मकसद है। और इस तरीके के और कैंप भी हम करेंगे तो हमारे कस्टमर केयर सेंटर में भी हमारे स्टाफ को यही कहना रहता है कि लोगों को पूरी तरीके से जो भी है वहाँ पे समझाया जाए, उसका सेटिस्फैक्शन दिया जाए। लेकिन कैसा है, कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रिव्यू ज़रूरी होता है या मीटर का चेकिंग ज़रूरी होता है या MSADCL के साथ पिछली कुछ अगर हिस्ट्री है वो चेक करना ज़रूरी होता है, तो उस केस में वहाँ के वहाँ सोल्यूशन देना पॉसिबल नहीं होता। उन केसेस में कस्टमर को बोला जाता है कि भाई हम इसको रिव्यू करके आपको वापस बुलाएंगे या आपको इसका बाद में कॉल आ जाएगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कभी भी हमारे किसी भी कस्टमर सर्विस सेंटर में आ सकते हैं, वहाँ पे हर जगह पे एक मैनेजर रखा हुआ है जो अगर काउंटर के स्टाफ से समाधानी नहीं है तो मैनेजर से बात कर सकता है। सर, क्या माना जाए इस कैंप के जरिए लोगों का समाधान कितना हो सके या कितने परसेंटेज तक उनका बिल जो है कम किया जाएगा? देखिए, कैसा है ये कैंप, मैं वापस वही दोहरा रहा हूँ कि बिल कम करने के लिए ऐसा नहीं है, लोगों के बिलों की जो समझने की ये है, लोगों को जो बिल की समझ होनी चाहिए कि ये बिल कैसे बना है, लॉकडाउन में क्या हुआ था, एवरेज रीडिंग हुआ था, उसके बाद आपकी रीडिंग जो आई है वो रीडिंग के बेसिस पे बिल बना है। कुछ ऐसे केसेस है जिसमें MSADCL से एवरेज चल रहा था, अभी रीडिंग हुआ है, मीटर बदली हुआ है, उस वजह से बिल बना है, तो ऐसी तमाम समस्याएं उनको समझा के उसका समाधान करने के लिए कैंप लगाया हुआ है। और जहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी का मीटर चेक करने की जरूरत है या बिल को वापस रिव्यू करके उसमें ऐसा कोई करेक्शन करने की गुंजाइश है तो उसको बिल्कुल हमारे ऑफिस में रीचेक करके जरूरी है तो उसका रेक्टिफिकेशन किया जाए। सर, एक बात और है, हमने जो है डिबेट किया था, उस डिबेट में जो है ये बात सामने आई
कि कलवा जो है अलग जा रहा है और दीवा अलग जा रहा है, तो क्या ये बात सच है कि मतलब सिर्फ मुमरा जी नहीं जो है टोरेंट में रहेगा और कलवा और दीवा जो है टोरेंट से अलग हो जाएगा? ऐसी बातें जो सामने आ रही है शहर में कहने का एक चर्चा है, क्या ये बात सत्य है? नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी आई नहीं है और ना मैं ऐसा कुछ बात में जानता हूँ। जहाँ तक मेरे को पता है, शिल कलवा मुमरा टोरेंट पावर MSEDCL की फ्रेंचाइजी के बतौर काम कर रही है। इसमें और कोई अलग से इन्फॉर्मेशन अभी तक तो मेरे पास आई नहीं है और आने की कोई मेरे को ऐसी गुंजाइश नहीं लगती। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके जरिए लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, टोरेंट पावर ये MSEDCL की फ्रेंचाइजी है। टोरेंट पावर जो रेट्स लगाती है या टोरेंट पावर का जो टैरिफ है, ये MSEDCL का ही टैरिफ है जो पूरे महाराष्ट्र में हर जगह पे लागू है। उसमें एक पैसा भी इधर या उधर करने की या बढ़ाने की या कम करने की टोरेंट पावर को अथॉरिटी नहीं है। रूल्स, गाइडलाइंस, रेगुलेशन हम सारे टोरेंट पावर MSEDCL के ही फॉलो करके कस्टमर को बेटर सर्विस देने के लिए यहाँ पे फ्रेंचाइजी का ये जो एरिया आया है, ये उस वजह से। कितने महीने का बिल आपका आया है और कितना अमाउंट? एक महीने का मेरे को 14,000 का बिल मिला है। 14,000 एक महीने? एक महीने का। पिछले महीना मैंने भरा नहीं था तो 5,000 रुपये मेरा था और इस महीने भेजा तो 14,000 रुपये का बिल, दोनों मिले 19,000 का बिल भेजा। एक महीने में 2400 का यूनिट जलता है, यानी टोटल 19,000 का पूरा 19,000 का बिल भेज दिया मेरे को। तो अभी कैंप में आप आए हैं, क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? अभी देखो क्या उम्मीद है, बात करने के बाद तो मालूम पड़ेगा ना। अभी तो बोल कोई फायदा नहीं है। अभी बात करने पे कॉल मेरे पास रीडिंग लेने वाला आया था तो वो बोलता है कि रॉन्ग रीडिंग लेके गया है, अपना वो नंबर मुझे दे के गया। बोला कैंप वहाँ पे आओ कलवा में, तो मैं सर से बात करा कम कराऊंगा। जो बोलता है जो पिछला महीने का तुम्हारा 3,095 रीडिंग है तो बिल तो 5,000 रुपये आना चाहिए, 1,380 रुपये क्यों दिया उसने? आपने ये पेड भी कर दिया तो फिर मेरा ये 9वें महीने का 5,280 रुपये बिल था और ये 10वें महीने में मेरे को 19,000 का बिल भेज दिया। वही बात करने पे मैं टोरंटो ऑफिस में गया था तो बोलता है भरना तो भरिए, नहीं भरना तो मत भरिए। एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ कैंप लगाया है, आप इसके पहले कभी टोरंटो ऑफिस में गए? मैं टोरंटो ऑफिस में गया तो शिकायत लेने के लिए, मैडम ऐसी बात करे, बोलती है भरना तो भरिए, नहीं भरना मत भरिए। तो हम किससे बात करने जाए? बोलते भरना तो इंस्टॉलमेंट में भरो, उसके आगे कोई जवाब ही नहीं है, वो किसी मारा मारी थोड़ी कर सकते। अभी देखो इंशाल्लाह अच्छा उम्मीद मिल सकता है, अभी आए तो देखो क्या होता है, क्या मिलेगा आपको रिस्पॉन्स बताना जरूरी। इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद अली। 8 महीने का बिल है 34,000 रुपए का। 34,000? हाँ। अभी आप यहाँ पर टोरेंट के तो वो लोग ध्यान नहीं, वो लोग बोलते कि हो जाएगा ये दो वो दो, कहाँ से लाके देखो हो जाएगा। टाइम में कहा गया कि तत्काल आपका बिल जो है अगर पॉल्टी है कुछ उसमें मिस्टेक है तो कुछ काम सही करके किया जाएगा। नहीं कर रहे, कम करेगा, अभी टोकन देंगे तो मालूम पड़ेगा कल कि कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कल मालूम पड़ेगा ये कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बाकी भी तो सब खाली, मेरे को नहीं लगता कि कम करेंगे। ये खाली खाली यहाँ क्या लिखा है देखो, और वहाँ क्या लिखा है देखो बोर्ड पे कि कम करेंगे, और यहाँ क्या लिखा है, नहीं खाली छप्पड़ है भाई, कुछ नहीं होगा कम, गरीबों की हाई है बस, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। मैं नहीं मानता बिल का मजा, गरीब मर जाएगा। आपको उम्मीद नहीं लग रही? नहीं नहीं नहीं, हमको जरा उम्मीद नहीं लग रही। पत्रे के अंदर, पत्रे में पहाड़ के ऊपर उम्मीद रहती है, वो कहाँ से 3,000 भी बढ़ी गई, बल्ब के चुपड़े में फूक मारती लकड़ी को, उसको कहाँ से बढ़ी गई, ये लोग नहीं कर रहे। सर आप बिल जो है तत्काल कम किया जा रहा है क्या आप? कुछ नहीं, इनका मीटर डिफेक्टिव है, अभी मैं देख रहा हूँ वही। ये तो बोलते मेरा मीटर ही नहीं है जगह पे। तो मुझसे एबीसी भी लेके गई है, तो 1.5 साल पहले लेके गई है, वो आज बताने आ रहे हैं। पावती दिया, पावती दिया, और मीटर निकले। 1.5 साल पहले मीटर लेके गए, वो आज मुझे बता रहे हैं यहाँ पे। तो बिल भरे लेने उन्होंने कंप्लेंट कुछ की है, सुनो ये बोल रहे हैं मैं जगह पे नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनके पास कुछ लिखा हुआ नहीं है कि इन्होंने कंप्लेंट नहीं, आपने अभी मैं पूछा तो आपने दिए नहीं दिए? अभी आपके घर पे मीटर लगा हुआ है? नहीं है इनके पास मीटर। तो ये एवरेज बिल है पहले का है, बहुत पहले से पहले से एवरेज बिल है। ये बोलते हैं 1.5 साल पहले मीटर गया, बोलते है ना बिल दिया तो बिल भर रहे हैं ना अभी भी, बिल तो आ रही है ना, ऐसा थोड़ी बिल तुमने रोक दिया, बिल तो तुम भर रहे हैं हम लोग।
बल्कि ना आप आके हमारे को बोले कि हमारा मीटर लेके गए, आप आके एक बार भी मिले नहीं है भाई, हमारे कम होगा, कम नहीं हुआ, ये बैठो बोला कि कम नहीं होगा, तत्काल बिल जो रहता है जिस बिल में रीडिंग अगर गलत गई है और वो रीडिंग अभी बताते हैं तो हम करेक्ट करके दे सकते हैं, अगर उन्होंने बताया कि सर ये रीडिंग ज्यादा है, मेरे पास फोटो है उसमें रीडिंग देखो इतनी है, तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। इनके पास ये कहता ना उधर टोंटो में ये साफ बेटा है, इनके पास मीटर नहीं है, कुछ नहीं होगा, वो आज बता रहे हमको, अरे आके देखेगी तो मालूम पड़ेगा ना, तुम ये साफ बेटे इनको मैंने बता रहे उधर ये तो बोले बिल कुछ कम नहीं होगा, ये इनको बोला मैंने, फिर वहां से यहाँ आए अभी हम लोग। चालू है कैंप जो है कितने दिन रहेगा और इसमें जो है किस तरह के बिल को जो है दुरुस्त किया जाएगा, क्या तत्काल अमाउंट जो है वो कम किया जाएगा? देखिए जो तोरण के लिए हम लोगों ने एक महीने पहले आंदोलन किया था, उनका ये कहना था कि एक महीने बाद हम कैंप देंगे, आज उन्होंने हमको कैंप दे दिया। इस कैंप में तोरण के अधिकारी स्पॉट पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, स्पॉट विजिट, यहाँ पे कंप्लीट है स्पॉट विजिट हुई, और इसको अगर जिनका बिल ज्यादा आ रहा है, जिनका मीटर फॉल्टी है वो बदली करेंगे, और बिल अगर ज्यादा आ रहा है यूनिट से ज्यादा तो नेक्स्ट बिल में उनको डिटेक होके आएगा, माइनस होके आएगा। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से मेरा अधिकृत बयान है कि अगर हमारे 900 कूपन गए, 900 टोकन, और अगर उसमें से 70% लोगों को भी समाधान नहीं मिला तो हमारा टोरेंट का विरोध जारी रहेगा। इसके बाद हमें टोरेंट के विरोध क्या कदम उठाना चाहिए, क्या रणनीति करना चाहिए, हम जितेंद्र आवास सबसे, हमारे नगर सेवक से बैठ के, हमारे सभी पदाधिकारी उनके साथ बैठ के, हम शमीम खान जी, हमारे पार्टी लीडर भाई साहब, ये सभी के साथ बैठ के निर्णय करेंगे। लेकिन टोरेंट ने कहा कि हम MSADCL के साथ बैठ के जिनका बिल ज़्यादा है और यूनिट के अलावा बिल आ रहा है हम उनको माइनस करके नेक्स्ट बिल में भेजेंगे। इसीलिए हमने टोरेंट के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं किया पूरी तरह, हमने हमारे वॉलंटियर, एक मिनट, ये हमारे वॉलंटियर देख लीजिए, ये हमारे वॉलंटियर कंप्लेंट नंबर लिख रहे, बिल नंबर, और हम ये डिटेल देखेंगे कि इनमें से कितने लोगों को समाधान हुआ। देखिए एक बात मैं आपको साफ बता दूं, आंदोलन करना और उसके साथ लोगों की समस्या दूर करना ये भी हमारा फर्ज है। एक तरफ हमने आंदोलन किया, अब हम ये देखना चाहते कि MSADCL की तरह लोगों को बिल आ रहा है, लोगों को बिल सही आ रहा है तो हम जनता खुश तो हम खुश। मीटर भी नहीं है कई लोगों के पास, MSADCL का टाइम का भी मीटर नहीं है, अब टोरेंट उनको बिल भेज रही है लेकिन बिल का अमाउंट जो काफी ज्यादा है, अभी टोरेंट के तरफ से कहा जा रहा है कि जो है आपके पास मीटर ही नहीं है, बिल हम कैसे कम करेंगे, सामने जनता खड़े उनका मीटर है चाहिए। पहली बात तो हमने न्याय मीटर के लिए भी बोला, लेकिन कैसा है इस्लामुद्दीन भाई, मैं आपको एक बात साफ बोलता हूँ, क्या मीटर है, मैं इस्लामुद्दीन मीटर का एक्सचेंज नहीं मिला यार, क्या हुआ भाई, मीटर के लिए मैं 50 बार धक्के खाया नहीं देते, और इनके पास भी कहते उन्होंने बोला कम नहीं होगा, मैं आवाज 25 बार गए इनके पास नहीं कम कर रहे हो, तो अभी अधिकारी ने क्या कहा, अभी ये बोलते मीटर लगा के देते, इधर जा रहा हूँ इनके पास, देखो क्या बोलते हैं मीटर लगा के देने, देखो जा रहा हूँ अभी जा रहा हूँ इनके पास, ये बोले इधर जाओ, उनको क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि मीटर लगा के देते, बोले हम बोले सब मीटर लगा के, नया मीटर लगा के दे रहे, नया मीटर लगा के दे रहे। हमारा मकसद ही है कि अगर मीटर नहीं है तो मीटर लगाए, और ये समाधान, ये देखिए ये जो लड़ाई अगर हमको टोरेंट से लड़ना है तो हमें प्रैक्टिकल लड़ना पड़ेगी, टेबल पे कंप्लेंट क्या है, हवा में नहीं। कुछ लोग का को बिल भरने की उनकी मानसिकता ही नहीं, लेकिन वो चिल्ला रहे टोरेंट बुरा है, MSADCL बुरा है, हमारा बोलने का मकसद है टोरेंट रहे, टोरेंट का टाटा रहे, रिलायंस रहे, जो लोगों को सही बिल देगा हम उसके साथ हैं, लोगों को सही बिल नहीं दिया, लोगों को समाधान नहीं रहा, हमारा विरोध। लेकिन टोरेंट का लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनका चार्जेस कुछ ज्यादा है, अगर वही चार्जेस कम हो जाए तो कोई विरोध नहीं करेगा। मैं आपको साफ बता रहा हूँ इस्लामुद्दीन भाई, आप समझिए ना, मेरी शिकायत भी यही है, मैंने टोरेंट से अधिकारी से बोलना है कि आप MSADCL जो बिल दे रही है थाना में हम महावितरण है, जो MSADCL यूनिट का बिल देती है उस हिसाब से अगर मुमरा का बिल आता है, जब अभी समझे मेरा घर MSADCL के टाइम पे एक महीने का बिल 5,000, तो टोरेंट आने के बाद 5,000 आना चाहिए, 5,000 आना चाहिए ना, अगर मुझे 10,000 आ रहा है तो मतलब टोरेंट में चल रहा, तो मेरी लड़ाई है तो वैसे ही तो हो रहा है, मेरी तो लड़ाई भी मेरी है, अगर MSADCL की तरह उन्हें बिल आ रहा है
और अगर उनको यूनिट के चेक करके एक दिन में उन्होंने 60 यूनिट यूज किया और बिल उतना ही आ रहा है तो फिर ठीक है। अगर 3 दिन कैंप ये रहेगा कितना समाधान निकलेगा ये तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन समाधान मैं प्रैक्टिकल शिकायत के ऊपर 15 दिन में अमल देखूंगा और उन बिल को जो बोले डिटेक्ट होके आएगा उसको मैं खुद चेक करूंगा कि हाँ लोगों ने कहा डिटेक्ट होके आया तभी हमारे कैंप की कामयाबी है। अगर उन्होंने कहा कि डिटेक्ट होके नहीं आया, माइनस होके नहीं आया और टोरेंट मनमानी बिल ले रही है तो हम टोरेंट के खिलाफ इससे भारी तरीके से विरोध करेंगे। हमारा मकसद है लोगों का समाधान करना, लोगों ने हमें चुन के दिया, लोगों का समाधान करना। हम ये चाहते हैं कि टोरेंट और लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो दूर हो। अगर टोरेंट जितना बिल लाइट देती है उतना ही ग्राहक से अगर बिल लेगी तो हमें कोई शिकायत नहीं, ग्राहक भी खुश टोरेंट भी खुश। अगर उन्होंने एवरेज के हिसाब से बिल दे दिया कि जितना बेचारे गरीब जनता ने उसके पास 2 फैन है 2 ट्यूबलाइट है फ्रिज है और उसको बिल 12-20 हज़ार रुपये महीना फिर हमारा ग्रुप जाएगा। आपने सुना कि जिस तरह से जो शानू पठान ने बताया है कि जिस तरह से जो बिल आ रहे थे उनका समाधान यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से एक ब्रेक के अंदर मौजूद थे उनका लगभग 35 हज़ार रुपया बिल आया हुआ था, लेकिन उनके पास करीब 1.5 साल से ही मीटर भी नहीं था क्योंकि एनएसपी मीटर लेकर चली गई थी। अब टोरेंट के अधिकारियों से जब हमने बात की उसके बाद कहीं ना कहीं अब टोरेंट के अधिकारी उस व्यक्ति को मीटर देने का आश्वासन दिए हैं और जिसका हमने उनसे जब बात की तो उनका ये कहना है कि मीटर टोरेंट के अधिकारी अब देने की बात की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये 3 दिन जो कैंप लगाया जाएगा क्या इसके जरिए जनता की परेशानी दूर होगी या उसी तरह से बरकरार रहेगी जिस तरह से अब तक जनता परेशानी झेल रही है इसी तरह से परेशानी झेलती रहेगी। कैमरामैन जफर के साथ